वेलकम टू ज्ञान बिंदु। सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी तब ये जो इक्वेशंस गिवन है उनकी जो सॉल्यूशन होगी वो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस क्या होते हैं। तो उनकी जो कंडीशन होती है वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब हमें और इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सॉल्यूशन करना होगा। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल a1 विच इज 2 b1 विच इज 3 एंड c1 विच इज 7। ओके, देन a2 विच इज ये इसका कोएफिशिएंट क्या है a माइनस b एंड b2 इसका y का कोएफिशिएंट क्या है a+b एंड लास्ट का जो c1 है वो क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है देन c2 इक्वल टू 3a+b-2। अब हम यहाँ लिखेंगे सेम कंडीशन को फॉलो करेंगे a1 अपॉन a2 विच इज 2 अपॉन a-b एंड b1 अपॉन b2 which is 3 upon a plus b, c1 upon c2, which is 7 upon 3a plus b minus 2। अब ये जो कंडीशन है अब हम इनके वैल्यू को जो है हम एचआर लिखते हैं, लिखेंगे a minus b equal to 3 upon a plus b, okay? Then 7 upon 3a plus b minus 2। अब यहाँ तक आने के बाद सॉल्यूशन करने के लिए हमें किसी भी दो टर्म को लेकर के उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, है ना। तो सबसे फर्स्ट में मैं 192 की वैल्यू को लेती हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। अब इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। 2a+2b इक्वल टू 3a-3b। 2a-3a इक्वल टू -3b-2b। ये माइनस ए बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड -5। नेगेटिव नेगेटिव साइन है दोनों कैंसल हो जाएगा तो हो जाएगा a इक्वल टू 5b। a की वैल्यू क्या आ गया 5b। अब मैं इसकी मल्टीपल फर्स्ट वाले के साथ करती हूँ देन 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू ए माइनस बी। 3 टू जो 6a प्लस 2b माइनस 2 टू जो 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब ये क्या होगा 6a माइनस 7a एंड प्लस 2b और इधर से भी आकर के ये प्लस 7b और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम दूसरे साइड भेज देंगे और वो प्लस हो जाएगा। माइनस ये बचा और इधर बचा आपका ये प्लस 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 होंगे और ये हो गया 9b इक्वल टू 4। माइनस यहाँ a की जो वैल्यू है यहाँ इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो पुटिंग लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे putting a equal to 5b, okay? And 5 minus sign है तो minus sign देंगे 5b plus
9b इक्वल टू 4, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होंगे, ये आ जाएंगे 4b इक्वल टू 4, b की वैल्यू आ गई कितनी 4/4। अब हम इस पे, यहाँ जो हमें a की वैल्यू गिवन है, इस पे हम b की वैल्यू को पुट कर देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। Putting b equal to, और इसको एक इक्वेशन का नाम दे दो, अगर सपोज दैट एक इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 और इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, देन b equal to 1 इन इक्वेशन 3, ओके, देन a equal to 5b, a equal to 5 multiple 1, a equal to तरीका से a की वैल्यू क्या आ गया 5 और b की वैल्यू क्या आ गया 1, b इक्वल टू ये रहा 1, b a एंड b की वैल्यू, अगर a और b की वैल्यू 5 एंड 1 डालते हैं तो वो सेटिस्फाइड करता है हमारे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के कंडीशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।